मोटो व्लॉगिंग आज के टाइम में कौन नहीं करना चाहता है, हर एक चाहता है कि हम भी एक परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग का सेटअप बनाएं एंड हम भी व्लॉग्स करें। लेकिन जो मेन दिक्कत क्रिएट करती है वो ये करती है कि एक परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसे बनाया जाए। तो इसीलिए जो है मैं आज की वीडियो जो है मैं पूरी फुल सेटअप होगी है गोप्रो का, कैसे जो है एक गोप्रो को आपने हेलमेट के ऊपर माउंट करना है। तो मैं एक एक चीज़ करके आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि ये माइक कौन सी है एंड अडाप्टर हमारा जो है एंड उसके बाद जो है साथ में ये एम सील के साथ कैसे जो मैंने माउंट आप देख रहे हो ये किया हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें ये इसमें एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो मेरा नाम है सोहेब मलिक, आप देख रहे हो चैनल द वाइल्ड वुल्फ। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहली बात जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैटर करती है आपकी वीडियो की क्वालिटी। तो उसके लिए मैंने गोप्रो लिया हुआ है, रिसेंटली अभी परचेज किया मैंने, इसको अनबॉक्स पहले भी किया था, तो ये गोप्रो आ गया। सेकेंडरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सेकेंड रहती है वो रहती है गाइज आपकी आवाज़। अगर आपकी आवाज़ साफ नहीं होगी ना तो मोटो व्लॉग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी आवाज़ आप जो बोल रहे हो वो सुन पाए, फटे ना आवाज़ एंड जो सराउंडिंग की आवाज़ है ना जो बाहर से आती है एंड जो हेलमेट के अंदर जब हम माउंट करते हैं माइक को तो वो कैच करता है, वो बहुत दिक्कत करती है। तो उसके लिए मैंने ये लेवलियर का माइक खरीदा जैसे आप देख रहे हो ये, तो इसको मैं 750 समथिंग का मैंने अमेजोन से ऑर्डर करवाया था एंड मैंने ये ऑलरेडी टेस्ट की हुई है, लेकिन मैं आपके लिए जो है एक बार फिर से इसको टेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये वाली एम सील जो है ये आपने परचेज करनी है, ये अराउंड 20 की है। इसमें 2 पैकेजेस आती है, इसके अंदर जो होता है पॉलीथीन छोटा सा उसमें उनको मिक्स करके आपने एम सील का सोल्यूशन बनाना है एंड वो आपने हेलमेट पे यहाँ लगाना है एंड ये आपने यहाँ माउंट इसको ऐसे करना, मैं दिखाता हूँ इसको निकाल के आपको। तो ये देखो ये मैंने ऐसे लगाया हुआ है यहाँ पे परफेक्टली, क्योंकि मैं इस पर ये नहीं कर पाया क्योंकि देखो जैसे मैंने ये वाला हेलमेट अब मैंने ऑलरेडी परचेज कर दिया है तो इसमें लॉक वाला सिस्टम है, अब लॉक से खुल रहा है एंड लॉक से बंद होता है, तो इसमें मैं ये वाला जो माउंट मैंने आपको दिखाया ये वाला यूज नहीं कर सकता बकल माउंट। ये मैंने बाहर से एम सी लगा दी हुई है तो ये ऑलरेडी मैंने चिपका दी है, एक दिन के लिए आप रख देना ये सूख जाएगा। तो ये वाला माउंट जो है ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ जैसे आप देख रहे हो, मैं इन सब के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में अपनी दे दूंगा इस वीडियो की। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी नए हैं। तो इसकी जो पैडिंग वगैरह सारी निकाल दी हुई है तो ये देख रहे हो आप, तो ये वाली माइक जो है मैं इसको अच्छे से अंदर सेट करता हूँ अभी, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हो मैंने इसमें होल भी किया थोड़ा सा क्योंकि ये चुभता है, ये लोहे वाला पीस है। तो अब माइक अच्छी है तो उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े आपको आप करोगे, क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन वाला माइक है मुझे बहुत पसंद आया। तो ये मैं सारा इसमें माइक माउंट करता हूँ अपने हेलमेट में, तो फिर उसके बाद मैं आपके साथ आगे वीडियो में मिलता हूँ। मैंने थोड़ी सी स्पेस बनाई हुई थी जैसे आप देख रहे हो, ये इसके अंदर मैंने माउंट कर दिया एंड वाइट कलर की एंड ट्रांसपेरेंट टेप जो है इसको लगा दिया मैंने। अब रहती है माइक की बात, तो माइक हम इसको थोड़ा माउथ के थोड़ा साइड पर रख देंगे, जैसे यहाँ माउथ आता है यहाँ पर मैं इसको माइक को सेट करता हूँ एंड इसकी पैडिंग जो है ये पैडिंग हेलमेट की वो कर लेता हूँ, क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मतलब आपने भी टेप के साथ ही इसको हेलमेट को कवर करना है फिर उसके बाद ये पैडिंग उस पर यूज़ करनी है। सो गाइज माइक का जो सेटअप है वो हो गया रेडी, जैसे मैंने ये पैडिंग आप प्रॉपरली माउंट कर ली हुई है इसमें एंड ये माइक देख रहे हो आप ये साइड पे लगाई हुई है मैंने जैसे आप देख रहे हो वीडियो में। तो ये रहा अब हमारा 3.5 mm वाला जैक, बाकी सारी ओके होगी ये कंडीशन। ये हमारा गोप्रो है, मैं इसको जल्दी से बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे माउंट करना है। ये मैंने गोप्रो को बाहर निकाला, अब इसके लिए आपको ये चाहिए यंत्र स्कूल ऑफ गैजेट्स का ये आता है बॉक्स, इसके बगैर जो है ये हेलमेट पे माउंट हो ही नहीं सकता है। इसको हमने अनबॉक्स करना है जैसे आप देख रहे हो, इसमें हमारे पास एक केस आता है ये वाला यंत्र स्कूल ऑफ गैजेट्स इसकी कंपनी है, एक यूजिलांजे का भी आता है, 2 कंपनीज आती हैं, आप जो आपको अच्छा लगेगा वो आप उसको ले लेना उससे। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका जो गोप्रो का अपना साइड वाला ये अडाप्टर का पिन होता है ये निकाल लेना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये देख रहे हो आप, ये नीचे की ओर कर लिया पहले फिर हमने इसको ऊपर कर लेना ऐसे। तो ये वाला जो है ये रिमूवेबल है, तो हमने इसको निकाल के अब हमने क्या करना है, ये इसका जो सेटअप जैसे देख रहे हो ये है, इसको हमने यहाँ से पुश करना है, ये पूरा जो केस है ये मैं पुश कर लिया तो ये बाहर निकाल लिया मैंने। अब इसमें क्या करना है, मैंने गोप्रो को इंसर्ट करना है, तो गोप्रो हमारा ये पहले इसकी बंद कर देनी है दोनों, ये मैंने बंद कर लिया एंड ये जैसे देख रहे हो आप ये मैं इसको रखता हूँ इसके बीच में एंड इसका ढक्कन जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये देखो ये बंद हो गया। जब आप इस केस में इसको आप इसको इंसर्ट कर देते हो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस अडाप्टर है, ये क्या है 3.5 mm जो माइक का अडाप्टर होता है इसलिए हमें चाहिए होता है ये,
देख रहे हो ये छोटी सी चीज़ जो है 4500 की है, तो इसको हमने क्या कहाँ पे इंसर्ट करना है, ये देख रहे हो आप, ये जो ये छोटी सी जगह बनी हुई है ना, तो इसमें अडाप्टर के लिए भी जगह होती है, ऊपर गोप्रो रहता है, नीचे अडाप्टर रहता है। अब देखो मैं दिखाऊंगा ये कैसे लगाना है आपको। यहाँ से हमारा जो टाइप सी वाला पोर्ट इस तरफ से है, तो मैं इसको ऐसे करके अंदर डालूंगा, जैसे देख रहे हो ये हमारा यहाँ से आया एंड आगे से निकल जाएगा, कर दिया ये। इसके लिए जगह अडाप्टर के लिए ऑलरेडी होती है इस वाले केस में, तो ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको बेंड करना है एंड हमने ये हो गया इसके अंदर फिट। हेलमेट जो है इसके ऊपर ये लगाना है, जैसे देख रहे हो आप, ये हो गया फिट। अब इसको जो है आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट लगा मुझे क्योंकि ये बाहर वाली साइड से रहता है, तो चिन माउंट की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। जब इसको सेट करना है ना, एक एडजस्ट सही पोजीशन पे लाना है, तो आपने इसको स्क्रू ड्राइवर से नट ढीले करके बराबर इक्वली लाना है। तो यहाँ आपने अपनी मर्ज़ी से गोप्रो एडजस्ट करना है जहाँ आपको बेस्ट पोजिशन लगे, जैसे मैं आपको बता दूं, और स्क्रू ड्राइवर से जो है आपने ये सारे नट टाइट कर देने। फाइनली गाइस, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे जो है हमने इसको माउंट कर लिया हुआ जैसे हमने पहले करना था। तो इन हेलमेट्स की यही प्रॉब्लम थी कि इनमें लिड बंद नहीं होता था गोप्रो लेके। अब मुझे नहीं इतना पता था, मैंने ये हेलमेट खरीद लिया था, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हो ये फोर वेज माउंट जो मैंने लगा के मैंने प्रॉपरली जो है इस पे हेलमेट को माउंट कर दिया हुआ है, सॉरी गोप्रो को माउंट कर दिया, तो कोई हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसके साथ ये जो कनेक्ट कर देता हूँ 3.5 mm जैक इसके अडाप्टर के साथ, जैसे आप देख रहे हो ये कनेक्ट कर दिया मैंने। तो अब चलते हैं बाहर, व्लॉग शूट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसी वीडियो की क्वालिटी है। एंड जो जितने भी ये सारे केसेस मैंने ये दिखाया, जैसे यंत्र स्कूल ऑफ गैजेट्स, उसके बाद ये आ गया अपना ये अडाप्टर इसका, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो माइक है, ये लेवलियर का माइक मैंने 750 अराउंड 800 का मंगाया था, तो बहुत नॉइज़ कैंसिलेशन वाला परफेक्ट माइक है। तो इन सब के लिंक्स जो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेक श्योर वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो चलते हैं टेस्ट करते हैं कैसा बना हमारा सेटअप, लेट्स गो। हाईवे पे जो टेस्टिंग होती है ना वो गलियों में नहीं होती है, गलियों का क्या सीन रहता है, गलियों में आस्था चलते हैं हम, तो पता नहीं चलता है कि कैसी आ रही है क्वालिटी है, कैसा शूट कर रहा है हमारा गोप्रो। तो यहाँ से हम यू टर्न ले लेते हैं, पूरा एक क्रॉस करते हैं एंड अपोजिट साइड मुड़ते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं। तो 100 प्लस में करता हूँ, 100 की स्पीड में चलूँगा, देखूँगा 100 में कैसी चल रही है, कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आता कोई सिस्टम इसका। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, बाइक को करते हैं बूस्ट, ये देख रहे हो आप नॉइज़ का बता सकते हो, नॉइज़ अगर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है मेरी। अभी मैं 100 प्लस चल रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हो 104 चल रहा हूँ मैं अभी, एंड ये हम बीच में से निकलते हैं, यस लेट्स गो। तो देख रहे हो आप, ट्रैफिक ने बहुत तंग लाया है यार, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक का क्या किया जाए, ट्रैफिक का तो कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि लोगों ने गाड़ियाँ ही बहुत लेके रखी है ब्रो। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, राइड सेफ, राइड हार्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, एंड थैंक यू सो मच।